जंगल में शेर खान घूमता है, उसके हुर्राने की दहाड़ मूवी सुनता है। पिछली 3 रातों से ये कीड़े मुझे खाए जा रहे, मैंने पकड़ भी नहीं पा रहा। हाँ, और मुझे भी किसी ने मुझे काटा। और तुम्हें बलू? ये कुदरत की खूबसूरती है, सूरज डूबता है, चांद उगता है, नन्हे कीड़े मकोड़े बड़ों को खाते हैं, और जो इसे समझ गया उसके लिए किसी का काटा एक किस बन जाता है। शुक्रिया बलू मेरे महात्मा दोस्त, लेकिन मैं कुदरत के करिश्मों से तंग आ चुका हूँ। कीड़े के काटने के ऐसे निशान मैंने पहले कभी नहीं देखे। मोगली, क्या तुम बेचारे बघीरा को खुजली से राहत दिलाने के लिए थोड़ी अदरक की जड़ें ले आओगे? कैसे हो रुकी, तुम घर बदल रहे हो? मैं घर नहीं बदल रहा, मैं घर छोड़ के जा रहा हूँ। मैं ये रोज रोज के हमले झेल झेल कर तंग आ चुका हूँ। ये तो बहुत छोटी सी बात है, और तुम अपना घर बदल रहे हो, इतना डर क्यों रहे हो? हाँ, मैं इनसे डरता नहीं हूँ, मैं इस डरावने जंगल को छोड़कर जा रहा हूँ जो मेरे जैसे अच्छे लोगों को पसंद नहीं करता। लेकिन सब तुम्हें पसंद करते हैं रिकी। तुम भी? मैं कीचड़ में लेटा पेड़ों से खुद को रगड़ा, लेकिन कुछ काम नहीं आया। वो पहले की तरह हमले किए जा रहे हैं। किसकी बात कर रहे हो? वो राक्षस हत्यारे, खून के प्यासे। तुमने सही कहा, चलो हम साथ में यहाँ से चले। इतनी जल्दबाजी मत करो बलू, की मदद से हम समस्या सुलझा देंगे। दरअसल मैं अदरक की जड़ें लेने जा रहा हूँ, इससे सबको राहत मिलेगी। ये बहुत अच्छा आइडिया नहीं है, लेकिन बुरा भी नहीं है। वाह, सच में बड़ा अच्छा लग रहा है। बलू, मैंने कीड़ों के लिए एक जाल बनाया है, देखना चाहोगे? केले की पत्तियों का रस हर उस कीड़े को पकड़ लेगा जो तुम्हें काटने की कोशिश करेगा। इस तरह तुम उन्हें पकड़ना चाहते हो? मुझे सोना नहीं है। नहीं, मैं तो सो गया था। बचाओ। शेर खान, तबाकी, तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? और तुम दोनों को हुआ क्या है? क्या तुमने कुछ खा लिया जिससे तुम इतने छोटे हो गए? ये हमारा नॉर्मल साइज है। अच्छा मजाक है। बिल्कुल भी फनी नहीं है। हम यहाँ फंस गए हैं और ये बिल्कुल अच्छा नहीं है, तो क्या हमें तुम प्लीज आजाद करोगे? एक मिनट, तुम्हारा मतलब तुम असली शेर खान और तबाकी नहीं हो? हम जंगल के छोटे लोग हैं, हमें हमारे लीडर ने भेजा है। चुप हो जाओ बेवकूफ। तबाकी की इतनी हिम्मत कि वो शेर खान पर गुस्सा करे, ये बड़ी दिलचस्प बात है। सुनो बच्चे, अगर तुम प्लीज हमें यहाँ से बाहर निकाल दो तो हम अपने अपने रास्ते जा सकते हैं। एक मिनट, क्या तुम ही वो कीड़े हो जो हर रात हम पर हमला करते हो? अब उसे पता चल गया हमारा काम तमाम। चुप रहो, ये बस छोटी सी गलतफहमी है। पिछले 3 दिनों से तुमने जंगल के सभी जानवरों की नाक में दम कर रखा है और तुम इसे गलतफहमी कहते हो? उसे सब बता दो, मैं मरना नहीं चाहता। वादा करते हो हमें चोट नहीं पहुँचाओगे? वादा? बताओ तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? हमारा इरादा है तुम्हें जंगल से बाहर करने का। मैं कुछ समझा नहीं, क्या हम साथ में नहीं रह सकते? हमारे मालिक ऐसा नहीं चाहते, वो चाहते हैं कि जंगल के वही एक राजा रहें, एक तानाशाह। क्या बकवास है, मैं जाकर उन्हें समझाता हूँ। कहाँ है वो, मुझे बता सकते हो? हमारे मालिक से बात करने का ख्याल अच्छा नहीं है। क्या करेगा वो मुझ पर हमला? मैं जंगल के इस नन्हे मालिक से बात करना चाहता हूँ। तुम्हें बात करने का मौका ही नहीं मिलेगा, उससे पहले ही तुम मारे जाओगे। वाकई तुम्हारा छुटकू मालिक मुझे मार देगा? मैं अभी दिखाता हूँ, इस पत्थर को हटाकर दिखाओ। तो क्या तुम मुझे अपने मालिक के पास ले जा रहे हो? ठीक है, अगर तुम मालिक को समझा सको कि तुम पर हमला ना करे तो मुझे बिल्कुल भी परेशानी नहीं है। रास्ता दिखाओ, सवारी का इंतजाम मुझ पर छोड़ दो। मुझे डर लग रहा है, क्या होगा अगर मालिक हम पर नजर रखे हुए और उन्हें पता चला कि हम एक विशाल काय के साथ आ रहे हैं? अगर ऐसा है तो हमें होशियार रहना होगा, हो सकता है उन्होंने विशाल काय के लिए जाल बिछा रखा हो।
बलू क्या ये तुम हो? ओ, ये तो बहुत अच्छा हुआ, मैं बहुत खुश हूँ। मुझे नहीं मालूम तुम किस बारे में बात कर रहे हो, लेकिन तुम्हारा अंजाम बहुत बुरा होने वाला है। बस तुम मेरे दोस्त बलू जैसे दिखते हो। मैं तुम्हारा दोस्त नहीं हूँ, तुम मेरे कैदी हो। आउच, मैं यहाँ बातचीत और समझौता करने आया हूँ। तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई बदमाश विशालकाय? मेरे सामने कोई नहीं हंसता है। तुम्हें इस तरह गुदगुदी नहीं करनी चाहिए थी। क्या कहा, तुम्हें किसी ने गुदगुदाया? माफ करना मालिक, मैं तो बस अपने नाखून तेज कर रही थी। मैं तो बस अपने नाखून तेज कर रही थी। क्या तुम चाहती हो मैं अपने नाखून तुम पर तेज करूं? लेकिन मैंने ये जानबूझकर नहीं किया मालिक। तुमने ऐसा जानबूझकर नहीं किया, ये तो और भी बेहतर है। तुम अपनी जिम्मेदारी नहीं लेना चाहती? बहुत अच्छे, गिरफ्तार कर लो उसे। तुम कैदी को परेशान कर रही थी। नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, मैं तो बस उसके। क्या कहा, दुश्मन के साथ साजिश? जानती हो इसकी कीमत क्या चुकानी होगी तुम्हें? मुझे गुदगुदाने की वजह से तुम इसे कैद नहीं कर सकते। उसका अंजाम तो तुम्हारे अंजाम से भी ज्यादा खतरनाक होगा। शायद घंटों तक दर्द से कराने पर तुम्हें ज्यादा अच्छा लगेगा। समझदारी से काम लो, हम बात कर सकते हैं। अगर तुम्हारे पास जगह नहीं है तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। हमें तुम्हारी इजाज़त नहीं चाहिए, हम यहाँ के मालिक हैं। हमें जो चाहिए वो लेंगे, और तुम किसी न किसी तरह से यहाँ से गायब हो जाओगे। यहाँ का मालिक कोई है तो वो हम हैं। तुम ये लड़ाई हार जाओगे। भले तुमने मुझे पकड़ लिया है, लेकिन बाकी जानवर भी तो हैं। जानता हूँ, मेरे खबरी चारों तरफ हैं। सुना है कुछ जानवर तो जंगल छोड़कर जा रहे हैं। बातें बहुत हो गई, चलो अभी इसे खत्म करते हैं। तुम जितने छोटे हो उतने ही बुरे हो। तुम्हें जो कहना है कह लो, तुम्हारे पास ज्यादा वक्त नहीं है, क्योंकि मैं कैद नहीं हूँ और तुम आजाद, ये सही नहीं है। ऐसा इसलिए क्योंकि तुम चालाक नहीं हो। तुम कह सकती थी कि तुम उसे सजा दे रही हो। हमने मालिक से कहा कि हम उसे खुफिया शहर लेकर आए हैं ताकि हम उसे मार सकें। तुम्हारी वजह से मैं बचकर भाग भी नहीं सकती। ये हमारी वजह से नहीं है, वो हमारा मालिक है। वो बहुत ही बेरहम और खून का प्यासा है। हमें उससे छुटकारा पाना होगा, उसने अब हद कर दी है। पैंथर को अब जाना ही होगा, इसमें सिर्फ वो विशालकाय ही मदद कर सकता है। लेकिन अब जब वो कैद में है तो हम जरूर नाकामयाब होंगे। ये भी बहुत खतरनाक है, मैं हार मानता हूँ। सिर्फ विशालकाय ही मुझे और हम सबको बचा सकता है। तुम्हें उसकी मदद करनी ही होगी, और अगर तुमने मना कर दिया तो मैं मालिक को बता दूंगी कि तुम दोनों गद्दार हो। तुमने बताया नहीं कि तुम्हारे मालिक का दिमाग खराब है और वो बलू जैसा दिखता है। वैसे मैं तुम्हें आगाह कर दूं कि हमारे मालिक ने एक जहर तैयार किया है, एक बहुत ही खास तरह का जहर। ये जहर तुम्हें पागल कर देगा, और इसे निगलने के थोड़ी देर बाद तुम्हें लगेगा कि तुम एक चींटी हो। अगर किसी ने मुझे कहा होता कि शेर खान और तबाकी मुझे बलू से बचाएंगे। क्योंकि तुम्हें लगता है वो तुम्हें बचा सकते हैं? मुझे ये दोनों शुरू से पसंद नहीं थे, मुझे पता था ये तुम्हें धोखा देंगे। क्योंकि इन्हें अपने विशालकाय दोस्त से इतना प्यार है, हमें इन्हें अलग अलग नहीं रखना चाहिए। हमें ख्याल रखना चाहिए कि ये बहुत करीब रहें। उम्मीद है तुम्हें भूख लगी होगी। मैं मरने के लिए बहुत छोटा हूँ। इस छोटे से नाश्ते के बाद तुम्हें एक नया शरबत आजमाना है, तब तुम्हें पता चलेगा कि कीड़ा बनने में कितना मजा आता है। लेकिन उसके लिए मेरा मुंह खुलवाना पड़ेगा। वो कोई परेशानी नहीं, तुम अपना मुंह खोलोगे, यकीन मानो। चिंता मत करो, मैं अपना मुंह बंद रखूंगा। गुदगुदाओ। घबराओ मत, मैं तुम्हें बचा लूंगा। लगता है ये अपने आपे में नहीं है मालिक। मैं तुम्हें निगलने नहीं वाला हूँ। तुमने सही कहा, ये बहुत ही अजीब बर्ताव कर रहा है, लेकिन इस वजह से मैं इसकी चीर फाड़ करने से नहीं कतराऊंगा। शांत हो जाओ मोगली, हम सब यही हैं और सब कुछ ठीक है। और छोटा बलू तुम जैसा बिल्कुल नहीं था। पीछे मुड़ो, तुम्हें और बाकी सबको अकेली रहने वाली मकड़ियों ने काटा था। मुझे इलाज मिल गया, लेकिन तुम हिलना बंद करो। सब कुछ बहुत ही अजीब था। बलू तुम मेरे ऊपर क्या लगा रहे हो? कुछ और चीजों के साथ पिसी हुई मकड़ी।
लेकिन तुमने तो कहा था कि हम सबको मकड़ियों ने काटा है और तुम हमारा इलाज भी मकड़ियों से ही कर रहे हो। दरअसल हाँ, कुदरत ऐसे ही काम करती है। हम सबके अंदर थोड़ा जहर और उसका एंटीडोट होता है। और क्या हमारे अंदर गहराई में छोटे छोटे बुरे लोग भी रहते हैं? अगर तुमने एक और बार अपने सपने के बारे में बात की तो मैं अपने अंदर के छोटे बघेरा को बाहर निकालूंगा। मुझे ऐसा नहीं लगता। मैंने कितना अजीब सपना देखा। मैं बहुत छोटा था और मोगली एक कीड़ा बन गया था। बघीरा, हल्दी से तुम्हें राहत मिलेगी। शुक्रिया बलू। किस्मत वाले हो जो तुम्हें जानवरों का जुकाम नहीं लगता। मोगली, ये लो डार्जी, ये तुम्हारे लिए। हाँ, मुझे जरूरत है। चलो, शुक्र है सारे मरीज निपट गए। एक मिनट मिस्टर। तुम भी टबाकी? माफ करना टबाकी, तुम्हारे लिए कुछ नहीं बचा। पर मैं तो बीमार हूँ। मोगली, तुम जल्दी से थोड़ी हल्दी की जड़ ले आओ, पता है ना वो कहाँ से मिलेंगी। हाँ बलू। लो ये ले जाओ। माफ करना। मैं कहीं नहीं जाऊंगा। जंगल में जुकाम फैला हुआ है, मुझे हो गया तो चीर के रख दूंगा सबको। हाँ, अब तुम्हें क्या हुआ? अरे नहीं नहीं कुछ नहीं, थोड़ी सी हंसी आ गई थी। शेर खान, पता है मोगली जंगल में अकेला गया है। नहीं, ऐसे में मैं बाहर नहीं जा सकता। पर वो बीमार नहीं है मेरी तरह। सच में? हाँ मुझ में। वो तो बाकी जानवरों के लिए जुकाम की दवाई लेने गया है। बड़ा दयालु है। टबाकी, तुम्हारी नाक में कुछ हो रहा है? नहीं नहीं कुछ भी नहीं। देखा? तो आ मेरे साथ, उस इंसानी बच्चे का शिकार करते हैं। हेलो, कहाँ गए सबके सब? बलू, बगीरा। अरे तुम दोनों पेड़ पर क्यों चढ़ गए? जवाब मिल गया। वो रहा हमारा आज का शिकार। थोड़ा सब्र करो टबाकी और उसे करीब आने दो। क्या खूब कहा शेर खान। अरे नहीं। क्या कर रहा है तू? चींटियां ढूंढ रहा था। चींटियां खाने का वक्त नहीं है ये। अब जाएं? अभी नहीं। मैं जा रहा हूँ। कहा ना अभी नहीं। ये तो कहीं तो छुपना होगा, पर कहाँ? माफ करना इकी, हम तुम्हारा दिल दुखाना नहीं चाहते थे, पर तुम्हारा छींकना खतरों से खाली नहीं। कोई बात नहीं, समझ सकती हूँ। बचना है तो भागो यहाँ से। नहीं नहीं, सब ठीक है, नो टेंशन। मेरे पास एक आइडिया है। शुक्रिया बलू। अरे बचाओ! ये तो मेरा फर्ज था। ये मोगली कहाँ रह गया? इतनी देर नहीं लगनी चाहिए थी। अब छुपने के दिन गए इंसानी बच्चे।
तुझे मेरा खाना बनना है और लेग पीस मुझे मिलना है। थोड़ा सा कहाँ चला गया? तेरी बकबक में शिकार हाथ से छूट गया गीदड़। वो रहा जहाँ पना, एक बोरे के अंदर एक छोरा। अब शायरी करना बंद कर और उसे पकड़। आ रहा हूँ। बहुत हो गया, इसका दूसरा इलाज करना ही होगा। ये क्या कर रहे हो? बाकी जानवरों को सुरक्षित रखने का एक ही तरीका है कि नहीं। इक्की, बात तो सुनो। तुम किसी और को नुकसान पहुंचाना नहीं चाहोगी ना? गए काम से। हम जैसे फुर्तीले शिकारियों से कैसे बचकर जा सकता है? अब ये क्या हरकत कर रहा है टबाकी? शायद खाया, मजा आया। तबाकी, इन चटर पटर चीजों की वजह से हमारा लंच हाथ से निकला जा रहा है। वो रहा। मैं भी आ रहा हूँ शेर खान। चलो, जब तक मोगली हल्दी की जड़ें लेकर नहीं आता, इक्की के कांटों को रोकने का ये तरीका सही है। काम तो करना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया हाथी। शर्मिंदा मत करो बलू। माफ कर दो। कितनी तीखी मिर्ची है। मिल गई हल्दी की जड़। वो यहीं आसपास है, खुशबू तो उसी की है। चल तबाकी, आज इंसानी बच्चे का लंच करके रहेंगे। आज मुझे कोई नहीं रोक सकता। हाँ, तो तुझे भी जुकाम हो चुका है, क्यों ना तुझे ही पहले सजा दूं? दफा हो जा नामाकुल। मोगली, अरे नहीं, ये तो यहां भी पहुंच गए। हाँ, मिर्चिया। कहां गायब हो गया शेर खान? इतना कच्चा खिलाड़ी नहीं जो बार बार धोखा खा जाए, समझे इंसानी बच्चे? शुक्र है तुम जिंदा हो मोगली। तुम्हें खुश होने की जरूरत नहीं है टबाकी। क्या? अरे मैं तो शेर खान को तुमसे दूर रखने की कोशिश कर रहा था सच्ची। तुम पर भरोसा नहीं है मुझे।
ओ देखो ना, मुझे तो जुकाम हुआ है, मुझे इसका इलाज कराना है, एक डोज दे दो ना। चलो एक खेल खेलते हैं टबाकी, जुकाम की दवाई लेनी है ना तो मुझे पकड़ के दिखाओ। मुझे पकड़म पकड़ाई बिल्कुल पसंद नहीं। ओ, भाग गया। हाय मम्मी। लो हो गया इलाज की, थोड़ी ही देर में जुकाम ठीक होने लगेगा। बल्लू मुझे भी खिला दो ना। तुम इस दवाई के लायक नहीं हो टबाकी। अरे नहीं। चुप जाओ। पर क्यों? काश ये जुकाम के इंजेक्शन होते। ये तुमने क्यों किया फियोना? यही मेरे रास्ते में आया। हमेशा अपने कमजोरों पर ही धौंस दिखाते हो, कायर। तुमने मुझे कायर कहा? मोगली, मोगली। किसी और दिन देख लूंगा तुम्हें। अब बोलो कौन है कायर मोगली? मैं नहीं हूँ। ठीक है, हम आज ही मिलते हैं बलू के इलाके वाली पहाड़ी के ऊपर, जहाँ दोनों के बीच कोई नहीं होगा, तब फैसला होगा हम दोनों में कौन बहादुर है। बोलो मंजूर है? हाँ ठीक है, अपनी जिंदगी के जितने मजे ले सकते हो ले लो, आज तुम्हारा आखिरी दिन है। और वहाँ जरूर पहुँचना, वरना तुम्हारी कायरता सबको पता चल जाएगी। बलू, आज लेसन जल्दी जल्दी दे दो प्लीज। पर क्यों? वो क्या है कि तुम्हें तो पता ही है। नहीं, मुझे नहीं पता। ची? सर्दी हो गई? मैंने नहीं छीका। अरे इनसे मत डरो, बल्लू हमारे दोस्त ही हैं। पर तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं तो अपने दोस्तों के साथ खेल रहा था, पर वो कहीं चले गए। मैं भी घर जाने लगा, पर मुझे रास्ता नहीं मिला और मैं खो गया हूँ। मैं खो गया। अरे अरे घबराओ मत। आओ मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ देता हूँ। ये तुम्हारे साथ नहीं जाएगा बलू, क्योंकि ये तुमसे डर रहा है। तो तुम्हें इसे घर छोड़कर आना होगा, पर ठंडी गुफाओं के खंडरों में मत जाना, क्योंकि मैं नहीं चाहता वो बंदर तुम्हें तकलीफ दें। उसकी टेंशन मत लो तुम, अब तो मैं जा सकता हूँ ना। हाँ 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 जाओ। तो तुम्हारा नाम क्या है? मैं नहीं। तुम्हें भूख लगी है? मुझे तो लगी है। मैनी कहाँ हो तुम? देखो एक बार घर पहुँच जाते हैं, फिर आराम से खाना। आओ। एक खाओगे? नीचे उतार। टबाकी उसे नीचे उतारो। मैं नीचे उतारू? अरे ये ऊपर चढ़ा है। उधर आओ, आओ, आओ। उधर शैतान कहीं है। उधर जा। अपने इस पिद्दी से दोस्त के साथ कहीं और जाकर खेल मोगली। मजा आ गया। मोगली को भेज तो दिया, पर मुझे उसे अकेले नहीं भेजना चाहिए था। कितना सुहाना दिन है ना बलू। होगा, पर मुझे तो टेंशन हो रही है। तुम्हें उस मस्ती में चोट लग जाती तो? ऐसे कैसे लग जाती? तुम मेरी मदद के लिए थे ना मोगली। हाँ चलो अब हम घर पहुँचने वाले हैं। ओहो कितने जिद्दी हो तुम। मैनी
मोगली आंखें बंद करके दस्तक गिनो, देखता हूँ तुम मुझे खुश पाओगे या नहीं। जी नहीं, चुपचाप नीचे आ जाओ। वाह, वाह, बचाओ, मैं फंस गया हूँ। हाँ? जल्दी आओ, मैं ज़्यादा देर नहीं टिक पाऊँगा मोगली। उल्लू देखो, मैं अभी मस्ती के मूड में नहीं हूँ। मैं नहीं, मुझे तो खेलने में मजा आ रहा है, पर तुम्हें क्या परेशानी हो रही है? ओहो, कैसी आफत की पुड़िया है ये। क्या तुम्हें आम पसंद है? टेंशन छोड़ो बलू, मोगली अपनी रक्षा खुद कर सकता है। हाँ, पर वो ठंडी गुफा और वहाँ के वो बंदर, पता नहीं मैंने उसे अकेले जाने ही क्यों दिया। इससे पेट तो नहीं भरेगा, पर कुछ देर का नाश्ता हो जाएगा। बस पहुँचने ही वाले हैं। तुम मुझे अपने साथ ले चलो ना, तुम बहुत अच्छे हो। नहीं, तुम्हें अपने घर वापस जाना होगा, उसके बाद मैं। तुम पहले मुझे पकड़ के ना दिखा। कुआ खुद प्यासे के पास आ रहा है। रुको, ये तुम्हारा दोस्त है क्या? इंसानी बच्चे, बंदर कब से तुम्हारे दोस्त बन गए मोगली? वो नहीं है, मेरा मतलब प्लीज का इसे मत खाना, तुम्हें खाने के लिए इससे बड़ा कुछ मिल जाएगा। नहीं इंसानी बच्चे, भूख तो अभी लगी है। माफ करना का, मेरा खाना गया फिर से। लगता है डरपोक पहले ही कहीं दुबक गया। बाय मैनी, और आज के बाद दोस्तों से दूर कभी मत जाना। पर अब तुम कहाँ जा रहे हो? मैं खास काम से जा रहा हूँ। मतलब मैं खास नहीं हूँ? अरे मैनी, तुम तो सबसे खास हो, वो तो बस माफ करना, अब मुझे जाना होगा। ठीक है, बाय। अब सबूत मिल गया कि वो इंसानी बच्चा कायर और डरपोक है। वो आ गया, मोगली पहुंच गया। आओ मोगली, माना तुम में हिम्मत है, पर अकल से पैदल हो, चलो तुम्हारा खात्मा कर दूं। तैयार हो जाओ। रुको फियोना, मैंने तो मामला सुलझाने को कहा था, मैंने ये नहीं कहा था कि मैं यहाँ कर तुमसे लड़ूंगा मेरे दोस्त। हाँ, नहीं कहा, पर मैंने कहा था हम देखेंगे हम में से कौन बहादुर है, और अगर तुम खुद को निडर, बहादुर और ताकतवर समझते हो तो आ जाओ मेरे पीछे। Oh,
मोगली सबसे ज्यादा बहादुर है फियोना। देख लूंगा उसे। और तुम्हें रास्ते में कोई दिक्कत तो नहीं आई ना? नहीं, कुछ भी नहीं। मैंने थोड़ी बहुत शरारतें कर रहा था, पर उसमें भी मजा ही आया। शुक्र है, पर अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाता और भविष्य में कभी भी तुम। हाँ? मुझे लगता है मैं फिर से खो गया हूँ। शैतान कहीं के। ओ मैनी। ये है जंगल बुक, यही है जंगल बुक, जंगल बुक, यही है जंगल बुक। बागीरा और बलू